आवता दिवाली, ओकरा बाद आई छठ, आ ये छठी मैया हमरा माई के हमेशा खुश रखब, काहे कि हर साल करेले राउर व्रत। जय छठी माँ। छठ पर बिहारियों के लिए सिर्फ महापर्व ही नहीं कि हमारा सम्मान है, अभिमान है। छठ के आगे कुछ, छठ से बढ़कर कुछ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। फाइनली दोस्तों, मैं कि आ चुका हूँ एक और नई वीडियो एडिटिंग करने लेकर। जब दोस्तों आप लोग वीडियो का स्टार्टिंग में प्रीव्यू देख चुके होंगे, तो दोस्तों सॉन्ग बिट मार और सेकी पर वीडियो को डिसीजन मिल जाएगा, दोनों को इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर लाइन एप्लीकेशन को ओपन करिएगा और यहाँ पर छठ पूजा सॉन्ग बिट मार और छठ पूजा यहाँ पर सेकी पर, ये आपको दो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को ज़्यादा काम नहीं करना है, मात्र 102 काम ही मात्र इसमें है, ठीक है। क्योंकि सारा प्रोजेक्ट मैं रेडी कर देता हूँ, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे छठ पूजा सेक फीड में आइएगा। सेक फीड में आने के बाद जो फर्स्ट लाइफ इफेक्ट है ये वाला, इफेक्ट क्लिक करना, इफेक्ट क्लिक करके थ्रेड पर क्लिक करें, कॉपी इफेक्ट करना है, ठीक है। कॉपी इफेक्ट करके इस तरीके से देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। कॉपी करना तो कॉपी इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे छठ पूजा सॉन्ग बिट मार्क में आइएगा और यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो जितना लेयर है लाल लाल कलर में, देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, कलर पे जाना और 11-12 पर क्लिक करना। यहाँ पर आप फोटो जितने भी होगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, जो भी मैं यूज करूँगा आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये सब फोटो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक है टेलीग्राम का, ठीक है। आप ले लगा लीजिएगा सारा फोटो, आपके पास तो होगा ही ऑलरेडी अगर आप स्टेटस बनाते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर ऐसे ही आप लोगों को फोटो ले ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फोटो ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से सारे लेयर में आप लोगों को फोटो का रिप्लेस कर लेना है। लेयर रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 15.22 प्लस इन के लिए करना, मीडिया पर जाना और यहाँ पे आप कोई फोटो मान के चलिए ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं छठ पूजा का फोटो लूँगा, ठीक है। फोटो लेने वाले थ्री डबल क्लिक करना और फुल कैप साइड आप क्लिक करना, इफेक्ट क्लिक करना, थ्री डबल क्लिक करके पेस्ट करना। जैसे पेस्ट करेंगे ये वाला इफेक्ट इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर से प्लस क्लिक करना, मीडिया पर जाना, सेम फोटो दूसरा कोई फोटो ऐड करके थ्री डबल क्लिक करके यहाँ पे करिएगा, फुल कैम्स एरिया क्लिक करके फट करिएगा, पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। बस आप लोग को पेस्ट करते हुए सिर्फ अगले बिट तक मिल जाएगा आपके, यहाँ पे डबल बिट होगा, यहाँ तक आपको इसी तरीके से लगा लेना है। फिर आगे जो भी आप फोटो मान के चलिए ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मैंने ये फोटो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पे करिए बैक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग सेक इफेक्ट में आ जाइएगा, ठीक है। सेक इफेक्ट में जब आइएगा तो ये वाला इफेक्ट को आप लोग का करिए इफेक्ट क्लिक करके थ्री डबल क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर के इफेक्ट को कॉपी कर लीजिएगा और ये दोनों लेयर को यहाँ पे, तीनों लेयर को यहाँ पे कॉपी लेयर कर लेना है, कॉपी थ्री लेयर्स, ठीक है। तीनों लेयर का एक कॉपी इफेक्ट करना ये वाला, ठीक है। इसे बैक कर देंगे और यहाँ पे सॉन्ग बिट मार्क में चले आएंगे। आने के बाद यहाँ पे आगे आ जाएंगे, आगे आने के बाद यहाँ पर डबल बिट जो दिख रहा है आप लोग को, जो इफेक्ट को हमने कॉपी किया है, इफेक्ट क्लिक किया, थ्री डबल क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करिएगा, इस तरीके से हो जाएगा। प्लसिंग क्लिक करना, मीडिया देना, नेक्स्ट कोई फोटो ऐड कर लेना, मान के चलिए कि मैं दूसरा कोई फोटो ऐड कर लेता हूँ, ये वाला फोटो थ्री डबल क्लिक करके फुल कैप एरिया क्लिक कर दूंगा और इफेक्ट क्लिक थ्री डबल पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपको देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये काम आप लोग को सिर्फ यहाँ तक करना है, ठीक है। 14.11 तक किसी वाला इफेक्ट को पेस्ट करते हुए चले आ रहे हैं। फिर यहाँ पर आइएगा 14.11, यहाँ पर क्लिक करके जो हमने कॉपी लेयर की है उसका हम लोग पेस्ट करें। जैसे पेस्ट करेंगे ये बिट के हिसाब से सेट हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट जो ये दो लेयर के बाद जो ये इफेक्ट तीसरा, इसको आप लोग करिएगा कॉपी लेयर कर लीजिएगा यहाँ से और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, कॉपी लेयर हम लोग कर चुके हैं। देखिए अभी इसका काम हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है।
आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है 26.10 यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ ये वाला इफेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये वाला जो हमने कॉपी लेयर किया था, इस लेयर को यहाँ पे कॉपी लेयर लेयर को क्लिक करेंगे और कलर में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर कोई फोटो ऐड कर लेते हैं, और फोटो यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए फोटो आ जाएगा इस तरीके से। इसी लेयर को फिर से कॉपी कर लेंगे और आगे हम लोग को आगे इसी तरीके से पेस्ट करते हुए चले जाना है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। और सारे ये लेयर में आप लोग को फोटो का रिप्लेस कर लेना है, सारे आपको पता ही है, ठीक है। और यहाँ पर ही फोटो रिप्लेस कर लेना है, और यहाँ पर जब आइएगा, ठीक है यहाँ पर कॉपी में इफेक्ट किया हूँ, इसको कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा और नेक्स्ट कोई फोटो ऐड करिएगा, मान के चलिए दूसरा कोई फोटो ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर थ्रेड क्लिक कर पेस्ट करके और यहाँ पर इफेक्ट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये वाला इफेक्ट को ऐड करना लास्ट तक, ठीक है। जब ये काम कर लीजिएगा आपका वीडियो बन रेडी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं गॉड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।